तो सोनी कैमराज के अंदर अभी ऐसा हो गया कि बहुत सारे अलग अलग कैमराज हो गए हैं और मैं जो काउंटिंग कर रहा था अप्रॉक्सिमेटली ट्वेंटी से ज़्यादा कैमराज हैं सोनी के अंदर अब ट्वेंटी कैमराज होना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन उसमें इतनी सारी अलग अलग कैमरा की सीरीज़ हैं जैसे कि ए सिक्स सीरीज़ है ए सीरीज़ है ए सीरीज़ है ए सीरीज़ है उसके बाद ए भी है ए भी है ए भी है Z सीरीज़ भी है C सीरीज़ भी है तो इतने सारे कैमराज में इतने सारे अलग अलग रेंज में कैमराज अलग अलग प्राइस पॉइंट पे तो स्पेशली बिगिन आई होप आप आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो काफी इजीली कंफ्यूज हो सकते हो कि इतने सारे कैमरास में से राइट कैमरा कौन सा है इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूं जहां मैं सारे कैमरास को बेसिकली एक अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करके आपको ये समझा दूंगा कि कौन सा सोनी कैमरा और स्पेसिफिकली कौन से सोनी रेंज ऑफ कैमराज कौन सी सीरीज ऑफ कैमराज किस ऑडियंस के लिए बनी है किस प्राइस रेंज में आती है तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके बजट फीचर्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा कैमरा बेस्ट है तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोनी के एंट्री लेवल ए पी एस सी मेररलेस कैमराज को यानी जो कंज्यूमर और आप और मेरे लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं नॉन प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए जो कैमराज बने उनकी बात करते हैं यानी ए सीरीज ऑफ कैमराज तो अगर आपको नहीं पता तो ए सीरीज़ में अभी टोटल सिक्स कैमराज आते हैं कौन से अवेलेबल हैं कौन से स्टॉक में है नहीं है वो बात अलग है लेकिन टोटल सिक्स कैमराज आते हैं बेचार दसनी ए सिक्स थाउजेंड ए सिक्सटी वन हंड्रेड ए सिक्सटी थ्री हंड्रेड सिक्सटी फोर हंड्रेड सिक्सटी फाइव हंड्रेड और सिक्सटी सिक्स हंड्रेड और ये सारे कैमराज ईमाउंट पर भेज दें ऑफकोर्स सभी के अंदर ए पी एस सी सेंसर है यानी कि सुपर थर्टी फाइव सेंसर है क्रॉप सेंसर जैसे कहते हैं वो है और जितने भी कैमराज हैं उनके अंदर काइंड ऑफ सिमिलर फीचर्स हैं लेकिन मैं आपको बेसिक बता दूं कि ये सारे हाइब्रिड कैमराज हैं कोई भी स्पेसिफिक यूज़ केस के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है एंट्रेबल हाइब्रिड कैमराज यानी फोटोज वीडियोज के लिए दोनों ही आप यूज कर सकते हो और प्राइसेंज की बात करें तो स्टार्ट करती है ए सिक्स थाउजेंड में अप्रॉक्सीमेटली फिफ्टी थाउजेंड के आसपास विद बॉडी एंड लेंस अगर जाए सबसे महंगे कैमरा पे ए सिक्सटी सिक्स हंड्रेड तो अराउंड वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज एम आर पी है फॉर द बॉडी ओनली तो नेक्स्ट बात करते हैं सोनी के ए सेवन लाइनअप के बारे में और ए सेवन लाइनअप में टेक्निकली टोटल चार कैमराज आ चुके हैं यानी ए सेवन ए सेवन टू ए सेवन थ्री और ए सेवन फोर ना ए सेवन थ्री आपने नाम सुना ही होगा बहुत पॉपुलर कैमरा था कुछ साल पहले आया था ए सेवन फोर टेक्निकली ऑलमोस्ट दो तीन हफ्ते पहले ही अनाउंस हुआ है और बाहर के मार्केट्स में लॉन्च हो गया इंडिया में अभी लॉन्च नहीं हुआ है लेकिन बात करें अगर कर कि ए सेवन सीरीज किसके लिए बनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ई माउंट पर सारे कैमरा बेस्ड हैं सारे ही फुल फ्रेम सेंसर से इक्विप्ड हैं तो आपको जो एक क्रॉप फैक्टर है वो इस कैमराज में देखने को नहीं मिलेगा ए सेवन सीरीज जो स्पेसिफिकली है वो एक हाइब्रिड रेंज ऑफ कैमराज यानी फोटो और वीडियो दोनों में ही क्वाइट केपेबल है और फोटो के बहुत अच्छे फीचर्स मिलते हैं वीडियो के भी फीचर्स मिलते हैं और ये ऑलमोस्ट प्रोफेशनल लेवल कैमरास की रेंज में जाने लगता है फॉर एग्जांपल अगर आप वेडिंग वीडियोग्राफी में देखोगे तो काफी लोग सोनी यूज करते हैं वाइल्ड लाइफ में भी यूज करते हैं और अगर आप पहली बार महंगा कैमरा लेकर प्रोफेशनली कुछ काम करने जाते हो तो ए सीरीज इज ए हाइब्रिड और इट्स ए वेरी गुड चॉइस क्योंकि फोटो और वीडियो दोनों के लिए इसको आप यूज कर सकते हो तो अभी जो लेटेस्ट कैमरा इस रेंज में और इस सीरीज में आया है वो है ए सेवन फोर जिसमें मैंने बताया इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है उसके अंदर थर्टी थ्री मेगा पिक्सल का सेंसर है पुराने वालों में थोड़ा ट्वेंटी फोर मेगा पिक्सल का सेंसर था तो यहाँ पर आपको मिलता है थर्टी थ्री मेगा पिक्सल का सेंसर और सिंस प्राइस अभी अनाउंस नहीं है लेकिन एस्टिमेटेड है कि इस कैमरा बॉडी या ए सेवन फोर की प्राइस आएगी बिटवीन टू लाख एंड टू लाख ट्वेंटी थाउजेंड इन इंडिया तो हाइब्रिड चॉइस के लिए यानी फोटो और वीडियो दोनों के लिए ए सेवन सीरीज जो है वो आपके लिए बेस्ट चॉइस है तो नेक्स्ट बात करते हैं हम सोनी के सी सीरीज ऑफ कैमराज में और टेक्निकली अभी तक सी सीरीज में सिर्फ एक कैमरा लॉन्च हुआ है विच इज दोनी ए सेवन सी अब काफी लोग जो बोलते हैं कि ये ए सेवन थ्री से आया है काफी लोग बोलते हैं ए सेवन सीरीज से आया है मेरे हिसाब से दिस इज अ स्मॉल ब्रदर ऑफ दी ए सेवन थ्री क्योंकि साइज में भी थोड़ा टेक्निकली छोटा है कंपेयर टू ए सेवन के दूसरे कैमराज पे और फीचर्स में भी उन्नीस बीस का ही फर्क है सेवन फोर प्राइस अप्रोक्सीमेटली वन लैक सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करूं तो गीकी रंजीत जो पॉपुलर टेक क्रिएटर है वो भी ए सेवन सी को ही यूज करके अपने वीडियो बना तो नेक्स्ट बात करते हैं सोनी के एस सीरीज ऑफ कैमराज और एस सीरीज ऑफ कैमराज आपको शायद पता भी होगा इज वेरी वेरी पॉपुलर इन द वीडियो वर्ल्ड क्योंकि सोनी का जो ए सेवन एस है दैट इज ए कंप्लीटली वीडियो फोकस्ड कैमरा और वीडियो फोकस होने का मतलब कि ऐसा नहीं कि फोटोज नहीं खींच सकते लेकिन ज्यादातर जो फीचर्स हैं जो भी बेनिफिट्स हैं वो ज्यादातर आपको वीडियो में ज्यादा मिलेंगे तो यहां पर ए सेवन के अंदर टोटल अभी तक तीन कैमराज रिलीज हो चुके हैं ए सेवन जो वन है ए सेवन एस टू और आई थिंक लास्ट ईयर रिलीज हुआ था सबसे ज्यादा पॉपुलर कैमरा जो बिना था उस ईयर का सोनी ए सेवन एस थ्री एंड आई थिंक अगर आप वेस्ट में कोई भी यूट्यूबर को देखोगे और टेक्निकली अगर कैमरा वर्ल्ड के यूट्यूबर्स को देखोगे तो दिस इज़ अ वेरी वेरी पॉपुलर कैमरा ए सेवन एस थ्री क्योंकि वीडियो में बहुत अच्छी फीचर्स हैं फोर के वन ट्वेंटी भी देता है और आपको बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स लंबी लंबी रिकॉर्डिंग कर सकते हो टेक्निकली इस कैमरा के अंदर मेगा पिक्सल काउंट काफ़ी कम आता है अप्रॉक्सिमेटली ट्वेल्व मेगा पिक्सल काउंट आता है ताकि आ, वीडियो के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा हो सके इसलिए लो लाइट परफॉर्मेंस और वीडियो के जो फीचर्स है ऑड ऑफ फोकस ये सब चीजें आपको बहुत ही अमेजिंग मिलेंगी आ, सोनी के A7S3 कैमरा के अंदर और अगर प्राइस की बात करें तो सोनी A7S3 मिलता है ओनली एट थ्री लैख थर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज अप्रोक्सीमेटली जस्ट फॉर द बॉडी इन इंडिया नेक्स्ट बात करते हैं सोनी के एफ एक्स लाइन ऑफ कैमराज अब हो सकता है आप थोड़ा कैमरा वर्ल्ड में फमिलियर हो लेकिन फिर भी आपने एफ एक्स सीरीज का नाम नहीं सुना एफ एक्स सीरीज जो टेक्निकली कैमराज है वो सोनी के सिनेमा लाइन ऑफ कैमराज हैं जिसमें आता है एफ एक्स थ्री एफ एक्स सिक्स एफ एक्स नाइन और इवन वेनिस एंड दूसरे कैमराज एफ एक्स थ्री एफ एक्स सिक्स जो है काफ़ी प्राइसी कैमराज हैं और प्रोफेशनल म्यूजिक वीडियोज इनके लिए होते हैं यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ सोनी के एफ एक्स थ्री के बारे में क्योंकि वो एक बहुत ही कॉम्पैक्ट कैमरा है एंड वो एक सिनेमा लाइन टाइप के फीचर्स आपको एक छोटी सी बॉडी में प्रोवाइड करता है अब टेक्निकली एफ एक्स थ्री के जो फीचर्स हैं वो ऑलमोस्ट एग्जैक्टली exactly सेम है सोनी के ए सेवन एस थ्री से जैसे मैंने आपको पहले बताया लेकिन यहाँ पर जो बॉडी है बहुत ही रगेट बनाई है उसमें बहुत सारे माउंटिंग पॉइंट्स दिए हैं और कुछ कुछ ऐसे फीचर्स डाले हैं जो प्रोफेशनल लेवल ऑफ वर्क के लिए बहुत यूजफुल होते हैं तो एफ एक्स थ्री ऑलमोस्ट इज आइडेंटिकल टू दी ए सेवन एस थ्री लेकिन अगर प्राइस की बात करें तो इंडिया में जो प्राइस है दैट इज अप्रॉक्सिमटली थ्री नैक नाइन्टी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनटी रुपीज ओनली फॉर दी बॉडी विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव लेकिन काफी अच्छा कैमरा है तो नेक्स्ट बात करते हैं सोनी के आर सीरीज ऑफ कैमराज और आर सीरीज के अंदर भी अभी तक टोटल चार डिफरेंट कैमराज आ चुके हैं यानी सोनी ए सेवन आर ए सेवन आर टू ए सेवन आर थ्री और जो लेटेस्ट कैमरा है इज ए सेवन आर फोर अब आर का मतलब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली exactly क्या है लेकिन फीचर्स और स्पेक्स को देख के लगता है कि आर स्टैंड फॉर रेजोल्यूशन क्योंकि ये सोनी के वो कैमरा है जिनमें बहुत बहुत हाई रेजोल्यूशन का सेंसर डला है तो कहीं पर भी जहां पर आप इमेजिन करो जहां पर बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन या तो क्रॉपिंग के लिए ज़रूरत है या तो प्रिंटिंग के लिए ज़रूरत है फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो फैशन फोटोग्राफी है जहां पर बहुत बड़े बड़े प्रिंट्स होने होते हैं तो आपको क्लैरिटी और मेगा पिक्सल काउंट बहुत हाई चाहिए वहां पर वाइल्ड लाइफ में जहां पर आपके पास में काफ़ी बार सही फ्रेमिंग चूज़ करने का ऑप्शन नहीं होता तो यू नीड अ वेरी हाई रेजोल्यूशन ताकि आप बाद में क्रॉप इन कर सको तो यहां पर इस सीरीज़ ऑफ़ कैमरास के लिए ये यूज केसेस जो हैं सबसे इंपॉर्टेंट है और अगर बात करें ए सेवन की तो उसके अंदर जो मेगा पिक्सल काउंट इज़ अ विक्सटी वन मेगा पिक्सल कैमरा और आई थिंक सोनी के जितने भी जिन कैमराज की मैं बात कर रहा हूँ उसके अंदर सबसे हाई मेगा पिक्सल काउंट इसी कैमरा के अंदर है और अगर प्राइस की बात करें तो इंडिया में जो प्राइस है इज़ अप्रॉक्सीमेटली थ्री लैख ट्वेंटी वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी फॉर द बॉडी ओनली नेक्स्ट बात करते हैं सोनी के Z लाइन ऑफ कैमराज अब सोनी के जो Z लाइन ऑफ कैमराज हैं वो ऐसे कैमराज हैं जो बहुत ही ईजी टू यूज बनाए और कॉन्टेंट क्रिएटर फोकस्ड हैं जो कैजुअल यूजर्स हैं जो कॉन्टेंट बनाते हैं जिनको कैमरा से ज्यादा कॉन्टेंट पे फोकस करना है और इस सीरीज में अभी तक सिर्फ दो कैमराज हैं फर्स्ट इज द जीवी वन और सेकेंड इज द जीवी टेन अब मैं जेड वी वन या जीवी वन पर फोकस ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि वो कैमरा थोड़ा पुराना हो गया है और उस कैमरे में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मेरे हिसाब से था कि सेंसर साइज बहुत छोटी थी प्लस जो लेंस उसमें लगा हुआ था आप उसको चेंज नहीं कर सकते थे देर वॉज नो इंटरचेंजेबल लेंसेज लेकिन जो बाद में कैमरा आया जो अभी रिसेंटली कुछ महीनों पहले ही आया है और आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है बहुत पॉपुलर है इज दी जेड वी टेन इसके ऊपर मैंने काफी सारे वीडियोज बनाए हैं कंपेरिजन करते हुए कुछ करते हुए मेरे चैनल पर आपको सब मिल जाएंगे लेकिन अगर बात करूं बेसिक फीचर्स की तो ये ऑलमोस्ट इन ऑलमोस्ट लाइक दी सोनी इज द रीपैकेज वर्जन ऑफ दोनी ए सिक्सटी फोर हंड्रेड जो मैंने पुराने वीडियो में बताया था विथ सम फीचर्स एडेड सम फीचर्स टेकन आउट फॉर एग्जाम्पल डिजिटल स्टेबलाइजेशन ऐड किया है स्किन स्मूथनिंग इफेक्ट भी ऐड किया है और प्रोडक्ट फोकस वाला फीचर भी ऐड किया है लेकिन ई हटा दिया है तो कंटेंट क्रिएटर फोकस जो लोग कॉन्टेंट बनाते हैं ब्लॉगिंग करते हैं फैशन ब्लॉगिंग करते हैं ट्रैवल करते हैं उनके लिए दिस इज अ गुड सीरीज ऑफ कैमराज तो ब्लॉगर्स के लिए सीरीज है जेड वी एंड जेड वी वन बोथ आर गुड कैमराज सॉरी जेड वी एंड जेड वी वन एंड जेड वी टेन बोथ आर गुड कैमराज बट Uh, मैं अगर आपको रेकमेंड करूं तो मैं आपको जेड वी वन रेकमेंड करूंगा बिकॉज ऑफ द एपीएससी सेंसर साइज एंड इंटरचेंजेबल एंड अगर प्राइस की बात करें तो इंडिया में आपको जेड वी टेन मिल जाएगा अप्रोसीटली फिफ्टी नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड नाइनटी रुपीज एमआरपी फॉर दी बॉडी ओनली नेक्स्ट बात करते हैं सोनी के नाइन सीरीज ऑफ कैमरा ए नाइन या अल्फा नाइन अब इस कैटेगरी में या अल्फा नाइन के अंदर अभी तक सोनी ने रिलीज किए हैं दो डिफरेंट कैमराज विच इज द दाइन एंड ए अब यहां पर जो ए नाइन सीरीज है वो अगेन आपको नंबर समझ में आ रहा होगा कि सेवन के बाद नाइन यानी और प्रो लेवल बॉडी तो नाइन सीरीज ऑफ कैमरा के अंदर जो स्पेसिफिक एडवांटेज है कि मेगा पिक्सल काउंटर इतना हाई नहीं है जितना आर सीरीज़ में था लेकिन इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस फोटोग्राफी परफॉर्मेंस ऑटो फोकस एंड स्पेसिफिकली हाई स्पीड फोटोग्राफी के लिए दीज आर द कैमराज यू वांट टू गो फॉर तो अगर किसी को वाइल्ड लाइफ शूट करना है किसी को स्पोर्ट्स शूट करना है बहुत ही फास्ट मूविंग सब्जेक्ट्स को शूट करना है रेस ट्रैक्स पर शूट करना है तो ए नाइन सीरीज इज द सीरीज ऑफ कैमराज दैट यू शुड बी लुकिंग फॉर बेसिक हेडलाइन फीचर्स की बात करूँ तो अप्रॉक्सिमेटली ट्वेंटी फोर मेगा पिक्सल का सेंसर आपको इसमें देखने को मिलेगा यूजअली और दूसरे कुछ फीचर्स की बात करूँ तो आई बी भी देखने को मिलेगा क्योंकि आप बहुत फास्ट मूविंग सब्जेक्ट को अगर थोड़ा भी शेक आएगा तो आपको सब्जेक्ट का फोकस मिल सकता है या सॉफ्ट में हो सकती है इसलिए आई बी भी इंक्लूड होता है प्लस अप्रॉक्सिमेटली ट्वेंटी फ्रेम्स पर सेकेंड या मोर पर आप शूट कर सकते हो एटलीस्ट ऑन दी ए नाइन टू एंड अगर प्राइस की बात करें तो nice, whooping, simple, 4, 23, फोर लैक ट्वेंटी थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइनटी रुपीज फॉर दोनी ए नाइन टू तो अब बात करते हैं सोनी ए वन के बारे में अब आप सोच रहे हो कि आया 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 फिर 9 आया, फिर 1 आया, तो फीचर्स कम होने चाहिए ज्यादा होने चाहिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन वन का मतलब ऑन द टॉप क्योंकि सोनी का जो ए वन कैमरा है दैट इज अ बीस्ट ऑफ अ कैमरा कंप्लीटली ब्लोज अवे ऑल दी अदर कैमराज आउट ऑफ द वॉटर क्योंकि ये है सोनी का अल्टीमेट फ्लैगशिप कैमरा वीडियो में कॉम्प्रोमाइज है ना फोटो में कॉम्प्रोमाइज है किसी भी फॉर्म में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है स्पेक्स की थोड़ी बात करता हूं ए वन जो कैमरा है अभी तक एक ही लॉन्च हुआ है इस अ फिफ्टी मेगापिक्सल सेंसर तो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस आपको मिलेगी प्लस 30 फ्रेम्स पर सेकंड तक आप 8K वीडियो भी शूट कर सकते हो 4K 120 शूट कर सकते हो और आई थिंक 30 फ्रेम्स पर सेकंड तक आप फोटोग्राफी भी कर सकते हो विथ वेरी फास्ट ऑटो फोकस परफॉर्मेंस एंड उन्होंने एडवर्टाइज भी किया था कि ई के अंदर कोई भी ब्लैकआउट नहीं होता इन कैमराज में यानी बहुत जो एकदम डिसाइसिव मोमेंट आपको शूट करना है ओलंपिक्स में आप शूट कर रहे हो वहाँ पर एक एक मोमेंट मिस करना कैन बी अ वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी लॉस्ट तो वहाँ पर आपको ए जो कैमरा है वहाँ पर

और काफ़ी लोग तो सोच रहे होंगे कि भाई हम तो सिक्स थाउजेंड सीरीज़ में ही खुश हैं जो पचास हज़ार से एक लाख की रेंज में आती है तो अगर आपको समझना है कि ए सिक्स थाउजेंड से लेकर सिक्सटी सिक्स हंड्रेड तक कौन से कैमराज में क्या क्या एग्जैक्ट डिफ्रेंसेज है कंप्लीट एवरी डिटेल तो ये वाला वीडियो देख लो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ तो आपको देखने को मिलेंगे ए सिक्सटी सिक्स हंड्रेड ए सेवन एस ए सेवन आर जेड वी टेन ए सेवन सी एवन नाइन ए सेवन आर